नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू और आपका स्वागत है मंजू ब्लॉग्स एंड गार्डनिंग में। तो आज मैं आपको बता रही हूं, गर्मियों से भी ज़्यादा हमें इस पानी की ज़रूरत है अपने गार्डन में। गर्मियों से भी ज़्यादा इस्तेमाल करना है हमें अपने इस गार्डन में पानी का। कैसे करना है, क्यों करना है, किस तरीके से करना है वो बताती हूँ। सारा कोहरा लगा हुआ है, 10 वर्षों से हमारे यहाँ का टेम्परेचर भी पिछले 10 वर्षों से सबसे न्यूनतम 4 डिग्री न्यूनतम नीचे गिर गया है, डाउन हो चुका है। तो बहुत कोहरा है, इसमें आपको अपने प्लांट को, हमारे अपने गार्डन को बचाना है। प्लांट को केवल फर्टिलाइजर वगैरह खाद की जरूरत नहीं है, प्लांट को हमें कोहरे और पाले से बचाना है। देखिए, कोहरे और पाले में धूप नहीं आती है, जिससे हमारे प्लांट प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है और प्लांट अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जिस कारण क्या होता है, प्लांटों की पत्तियां पीली हो रही हैं, गिर रही हैं, सूख रही हैं, प्लांट हमारा मुरझाया और सूख रहा है। ये डर है कि प्लांट हमारा खत्म ना हो जाए। फ्लावरिंग है, पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि पॉलिनेटर धूप और कोहरे में, पॉलिनेटर भी कम आते हैं और धुंध और कोहरे में दिखाई नहीं देता है। पॉलिनेशन हमारे गार्डन में नहीं होता है, जिस कारण फ्लावर और फ्लावर जो है, कोई फ्रूट प्लांट हो या फ्लावर हो, ड्रॉप होने लग जाते हैं, वो गिर जाते हैं। इसलिए अक्सर मेरे पास ये कमेंट आ रहे थे कि हमारे फ्लावर गिर जा रहे हैं, फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, इसलिए भी अभी कन्वर्ट नहीं होते। तो अभी आप क्या करना है, हमें अपने प्लांट को बचाना है, प्लांट को कोहरे और पाले से बचाना। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत जरूरी ट्रिक बताने वाली हूँ, जो ट्रिक सारी नर्सरी में आप विजिट कीजिए, नर्सरी वाले करते हैं, सुबह सुबह करते हैं, वो क्या ट्रिक है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, वो है ये पानी का ही कमाल है, हमें इस विंटर में, इस कोहरे में पानी से क्या करना है। तो दोस्तों, आपको सुबह सबसे पहले उठना है, जल्दी सुबह उठना है। जल्दी उठते ही क्या काम करना है, सुबह हमारे प्लांट में पाला पड़ा रहता है जो हमारे प्लांट को, पत्ती को जला देता है। पाले से हमारे प्लांट अगर आपने नज़दीक रख, अब देख, बहुत जरूरी बात यह है कि समर में हम अपने प्लांटों को झुरमुट बना के रखते हैं, साथ मिला के रखते हैं, लेकिन विंटर में आपको दूर दूर रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि प्लांट में ना जो ओस की बूंदें, पाले की बूंदें आती हैं, वो इकट्ठी हो जाती, गिरी रहती, जिससे प्लांटों में नमी बन जाती, जिससे कि हमारे प्लांट में फंगस इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती, फंगल अटैक होने लगता है, प्लांट में फंगस लगता है। और अगर आपके किसी प्लांट में फंगस लगा हुआ, तो उस प्लांट को बिल्कुल गार्डन से दूर हटा के रखिए, उसको और प्लांटों के साथ हटा के मत रखना, क्योंकि फंगस जो है ना वो दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो जाता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, तीसरे प्लांट में चलाता है, तो फंगस की समस्या हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा बढ़ती है इस समय। तो दोस्तों, करना क्या है हमें, आपको सुबह उठना है, सबसे जल्दी उठना है सुबह। अगर आपके वहाँ कहीं पहाड़ों में धूप आती है, तो धूप आने से पहले ये काम करना है। और जैसे हमारे इधर है, कोहरा है, ठंडा है, तो सबसे पहले उठ के आपको गार्डन में ही आना होगा। और आपको करना क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप गार्डन में आइएगा, पानी का पाइप, अगर आपके पाइप में शावर है तो अच्छा, मेरा शावर है लेकिन मैं अभी लगा नहीं रही, मैं दिखा रही हूँ, सबके पास शावर नहीं भी होता है। तो क्या करना है, आपको करना ऐसा, और अपने प्लांट को ऐसे कर देना है, पूरे प्लांट को ना मिट्टी में नहीं जाना है, ये प्लांट है हमारे, इनकी लीव है, फ्लावर है, इनको अच्छे से हमें नहला देना, ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए पूरे प्लांट को आपने नहला देना है। अब क्यों नहलाना है, क्योंकि सुबह सुबह जब हमारे प्लांट में कोहरा पड़ा रहता है, कोहरे की बूंदें, ओस की बूंदें जमी रहती है ना, वो सारी इससे धुल जाएंगी, उनका अफेक्ट जो है कम हो जाएगा हमारे प्लांट में। ये करना है इस तरीके से हमें, ये देखिए ये गुड़हल का है, ये देखिए गुड़हल के फ्लावरिंग आ रही है, बर्ड्स आ रही है, इसको पूरा मिट्टी का ध्यान दें, मिट्टी में पानी नहीं जाना है, ऊपर ही ऊपर हमें प्लांट में करना है। मिट्टी में आप विंटर में 4 या 5 दिन हम पानी डालते हैं, इसी तरीके से डालना है। ये देखिए गुड़हल है, इधर पूरा फ्लावरिंग प्लांट है, अभी डोरमेंसी में जाते हैं सारे प्लांट, इसलिए सारे प्लांट अभी सुस्तावस्था में डोरमेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन नहीं बनता है, जड़ें जो है भोजन नहीं बना पाती है, मजबूती नहीं आती, तो प्लांट में ये समस्या होती है। तो इस तरीके से पूरे प्लांट को आपको खेत में पाला कोहरा है उसे रहना है। चाहे कोई भी इंडोर शेडी प्लांट हो, आपने शेड में रख रखा है, कोई भी प्लांट रखा है, तो आपका प्लांट ऐसे ही बचेगा। देखिए मेरा एरिका पाम है, तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह इसकी लीव्स में जो पाला कोहरा पड़ा है ना, उसको धो देती हूँ। एरिका पाम में भी जो है ना फंगस की समस्या बहुत होती है, इसलिए प्लांट को दूर दूर रखना है हमें। ये देखिए हमें अपने प्लांट को दूर दूर रखना है, और इस तरीके से मिट्टी में नहीं जाना है। मिट्टी में तो आप आजकल देखिए कि एरिका पाम में मॉइस्चर बना रहना है, सूखना भी नहीं है, बट 2-3-4-5 दिन पानी डालने की समस्या हो रही है, वो देखिए। इसी तरह से मनी प्लांट को कर देना है, इसी तरीके से कैफेरिया है, इसी तरीके से मेरे पास कितने सारे हमारे पास जो विंटर प्लांट है, सारे प्लांटों में करना है, सेडी प्लांट में करना है। ये देखिए ये जो भी इंडोर प्लांट ये हैं कि मैं छाया में रखती हूँ इनको, ये देखिए ये हमारे कोलियस का प्लांट है, तो इनका सारा मैंने धो दिया है। ये 30 लीली मेरी रखी हुई है यहाँ पर, ये है ये ड्रेसिना है, तो इन प्लांटों को ऐसे सावर कर देना है, बिल्कुल इस तरीके से आप सावर कर दीजिए, मिट्टी में नहीं गया ये,
और ये सावर ध्यान रखें सुबह ही करना है, शाम को नहीं करना है। सुबह के समय कीजिए, पूरी दिन भर की जो दिन भर का जो समय है तो ये हमारा हवा से उससे ये पानी सारा उड़ जाएगा, तो प्लांट में फंगस की समस्या नहीं होगी, फंगस नहीं लगेगा। और रात को या शाम को ये काम आपको नहीं करना, ये काम आपको सुबह उठते ही करना है, देर में नहीं करना है। ये पान की बेल है, सब मैं ये कर दूँगा इस तरीके। दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, जो लोग इसको पहले से करते हैं वो भी कमेंट किए, जो पहली बार देख रहे हैं वो भी बताएं, और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट करके लिखिएगा, बहुत अच्छा लगता है, आपसे जुड़ के बहुत खुशी होती है। बाय बाय।